कुछ जरूरी सूचनाएं भी हैं जो कि एक तो इस बार की जो अमावस्या है वो 19 अप्रैल सॉरी 19 मई जो मई का महीना चल रहा है तो 19 मई को दिन शुक्रवार है। 19 मई को शुक्रवार के दिन अमावस्या का पर्व मनाया जाएगा जहाँ पितृमुक्ति के लिए पूर्वज जैसे मनाया जाता है दरबार में, तो उस कार्यक्रम में आप लोग भाग लेंगे। दूसरा इस बार की जो पूर्णिमा नहीं मनाई जा सकी थी, दीक्षा का कार्यक्रम जो था देवेंद्र सिंह जी की देहावसान के कारण वो कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया था, तो दीक्षा का कार्यक्रम अब आने वाले महीने में जून के महीने में 3 जून को होगा पूर्वत। तो 3 जून तक अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे दीक्षा के लिए, और 3 जून को वही दोपहर में जो हवन होता है 2 बजे तक, उसके पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा के अपनी किट हासिल कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद जो किट आपको मिलती है और निःशुल्क हवन में ताकि आप बैठ सकें, आपकी शुद्धि और सिद्धि हो सके और आप दीक्षा के उपयोग बन सके, ये आपको ध्यान रखना है। और उन्नीस तारीख को जो अमावस्या है उसमें भी दोपहर में 2 बजे से ही हवन है, ये ध्यान रखना है। और दोनों महीने की दीक्षा, मई महीने की दीक्षा और जून महीने की दीक्षा 3 जून को ही होगी, ये सभी लोग नोट रखेंगे। की और लेवल 2 की दीक्षा, दोनों दीक्षा होंगी, उसके लिए लोग आवेदन कर सकेंगे। दरबार बराबर चल रहा है और अब सभी भक्तगण आमंत्रित हैं। लगातार दरबार काफ़ी समय से बंद रहा, कुछ दरबार के काम बाहर चल रहे हैं उसमें व्यस्तता के कारण भी बार बार आना जाना पड़ रहा था और आना जाना पड़ेगा भी, तो सभी लोग अपने अपने अनुसार नोटिस लें इसको और अपने अपने अनुसार कार्यक्रम बनाएंगे। और महाहवन भी चल रहे हैं जो असाध्य रोगों के लिए, वो निःशुल्क हैं। पितृमुक्ति के बाद महाहवन जिसके घर में कोई असाध्य रोगी है तो कराया जाता है। जो 9 हवन हैं या 1 दिवसीय हवन है जिसमें विराट ऊर्जा का आप आवाहन करते हैं और आपके साथ होती है वो परम ऊर्जा जिससे आप अपने परिवार के स्वयं के जो लगभग 400 प्रकार के कष्टों की स्मृतियां हैं वो सभी स्मृतियां नष्ट होती जिससे कि आपके कष्ट जाते हैं। और जो असाध्य रोग हैं उनके लिए अलग से निःशुल्क हवन होता है, तो इसके अनुसार अपना कार्यक्रम बना के आप लोग आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग दरबार से जुड़े, जुड़ करके आप लोगों ने संकल्प किए, ये ध्यान रखें संकल्प लेपन बहुत आवश्यक है। परिवार का कोई सदस्य संकल्प नहीं करता है उसकी गंदगी आप में आती, जब आप उसका संकल्प करते हो या चिंतन करते हो तो आपको कष्ट होते हैं, तो आपको लगता है कोई कष्ट हो रहा है, वो आपके परिवार का ही कष्ट है जो आपसे होकर गुजरता है। लेपन नहीं करते हैं तो कष्ट होते हैं, आपको ध्यान रखें लेपन जरूर करें ताकि मस्तिष्क की सूजन जाए, और सूजन जाए तो भ्रम समाप्त हो, भ्रम समाप्त होगा तो कष्ट अपने आप समझ नहीं आएंगे। और संकल्प जरूर करें, शनिवार का भी संकल्प वो लोग करें। शनिवार का संकल्प विशेष रूप से उनके लिए होता है जिन्होंने 1 दिवसीय अनुष्ठान किया होता है या निःशुल्क महाहवन किया होता है, अथवा उनके लिए होता है जो मंत्र दीक्षा और तंत्र दीक्षा ले चुके लोग हैं उनके लिए विशेष तौर से है। और मंगलवार का जो संकल्प सभी के लिए है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको दरबार की ओर से, परम पूजनीय बाबा जी गुरु माता जी की ओर से, भगवान भोलेनाथ माता कामाख्या की ओर से, आप सभी को बहुत बहुत प्यार।
दरबार की ओर से बहुत आशीर्वाद, और हम सभी लोग बाकी माँ के मेले में हाँ मिलेंगे ही, तो सभी लोग ध्यानपूर्वक और प्रेम पूर्वक सूचनाओं को ग्रहण करें और उसके अनुसार अपना अपना कार्यक्रम बनाएंगे। माँ का महापर्व 22 जून से शुरू होगा, जो पूरे दुनिया मनाया जाता है, जिसका केंद्र माता कामाख्या का मंदिर होता है गुवाहाटी में, आसाम में गुवाहाटी में, जहाँ पर पूरा दरबार लगा रहेगा। और वहाँ पर भी 22, 23, 24, 25 और 26 27 वहाँ पर भी हवन, एक दिवसीय हवन है। जो लोग वहाँ पर एक दिवसीय हवन अपना बुक कराना चाहें तो दिए गए नंबरों पे अपना कांटेक्ट करके वहाँ के लिए हवन अपने एक दिवसीय हवन बुक करा सकते हैं। ध्यान रहे वहाँ पर भी जो एक दिवसीय हवन होंगे वो लिमिटेड हैं, लिमिटेड हवन ही केवल वहाँ होंगे, इसलिए वहाँ के हवन में पहले से पहले आप बुक करा के रखेंगे तो उचित होगा। वहाँ पर 20 हवन से अत्यधिक नहीं होंगे, तो सूचना सब लोग ग्रहण करें। पुनः आप सबको दरबार की ओर से बहुत बहुत आशीष, प्रेम, हरिहर।